स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ देना चाहता हूं। यहां पर टीचर्स डे के शुभ अवसर पर हमारी मेहनत रंग लेकर आई है। आरआरबी जिस प्रकार से हैशटैग आरआरबी और हैशटैग स्पीकअप नामक कैंपेन ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे, उसके बाद से आरआरबी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना और उसके कारण से आरआरबी के अध्यक्ष बीके यादव ने हाल में ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करी और उसका वीडियो यूट्यूब पर भी उन्होंने डाला है। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट दिसंबर का फर्स्ट वीक होगा, तो मैं आपको उनका बीके यादव सर का पूरा वीडियो भी दिखाऊँगा और रेलवे चेयरमैन ने क्या कहा है उसके बारे में आपको हर बात पता चलेगी। तो इसी प्रकार से संगठित रहिए, एक रहिए और स्टूडेंट्स अगर चाह लें तो कुछ भी कर सकते हैं। यह संगठन की शक्ति हमने यहां पर अभी देखी। तो इसी प्रकार परीक्षा की तिथि यहां पर निर्धारित हो गई है। आइए सुनते हैं बीके यादव सर ने, जो रेलवे के चेयरमैन हैं, उन्होंने आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्या कहा है, आइए सुनते हैं। 1,40,640 vacancies, and scrutiny of all these 2.42 crore applications was completed, and then due to COVID, we could not conduct this exam because for all these vacancies, a computer-based test is to be conducted. Now, considering the COVID situation and also considering that NEET and JEE exam is going on smoothly, Railway has decided that we will start exams for all these three category of vacancies from 15th of December. From 15th of December, Railway is going to start conducting the computer-based test, and a detailed schedule will be announced very soon. We have completed the scrutiny of all these applications and schedule will be announced very soon. तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।